उस ऑर्डर में माइलॉर्ड ग्राम सभा की परमिशन पे नहीं लिया गया इस आधार पे। और इसमें ये है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है माइलॉर्ड कि वेयर इज प्रोग्राम्स बीइंग डन माइलॉर्ड, द बीइंग द बिग देव इज द प्लेस देयर माइलॉर्ड, जहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा है माइलॉर्ड वहां पर बड़ा देव का स्थान पूर्व से स्थापित है, यही तो बता रहा हूँ नीचे यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहाँ ग्राम भादुकूट कथा वाचन किया जाना नियत किया गया है उक्त ग्राम और स्थान पर आदिवासियों को पैंट थाना बड़ा देव भगवान स्थल है जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है, अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथा वाचक के आयोजन से आदिवासी बताइए बड़ा देव भगवान स्थल जो है वहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथा वाचन करने से अपमान होता है, दो सवालों के जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? माइलॉर्ड में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में, क्या विवरण है बताइए। इसमें माइलॉर्ड में पढ़ के बता रहा हूँ। कहाँ से पढ़ के बता रहे हैं? पिटीशन बताइए, पैराग्राफ नंबर पैराग्राफ वन है माइलॉर्ड, पिटीशन है दी है आपको लगवाई है उनसे, इतना तो समझ लीजिए हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं जिसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन that when you say on page 12 कि बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, मैंने आपसे सवाल पूछा इस बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी। अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड उस जगह के अलावा अन्य दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, हु आर यू टू डिसाइड कि कौन से स्थान पर होगा कौन से स्थान पर नहीं होगा, पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर उन मान्यताओं का हनन होगा अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है ये मान्यताओं का उत्तर है जी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान प्लीज आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। कंटेंप्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा, आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस दूसरा सवाल सुनिए उसका उत्तर दीजिए पहले फिर संविधान पढ़ेंगे कि सर्व आदिवासी समाज कौन है, किसने ऑथराइज किया है आपको ये फाइल पिटीशन फाइल करने के लिए, कहां ऑथराइजेशन, पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? तजीब से बात करना सीखो, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन लगाने के लिए। सर्वे आदिवासी बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी, ये बताइए सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए। तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे, तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी, यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो, प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे, हम पिटीशन पढ़ के आते हैं हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जी एस उद्दे। जी जी एस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-08। हाईकोर्ट में कब से हो? 7-08 से। हाँ तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए, सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन लाइए पहले। ये हेमलता थुर्वे और ये हरनाम मरावी, किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? हेमलाल थुर्वे ने। कहाँ है वो ऑथराइजेशन, एज नंबर?
संस्था का सर्व आदिवासी समाज का रिजोल्यूशन बताइए जिसने कि इन दो लोगों को हेमलाल ध्रुवे जी को और हरना मरावी को ऑथराइज किया है कि पिटीशन फाइल करने के लिए। सर इसमें जो पेज नंबर 47 है, पेज नंबर 47 जी बताइए, 47 48 और 49 आप पढ़िए उसको, पढ़िए प्लीज 47 48 में क्या लिखा है। आज टाइप कॉपी पढ़ रहा हूं जी। आज दिनांक 10/5/2023 दिन बुधवार को समाज की संयुक्त बैठक श्रीमान धारा सिंह मंसूरी जी के अध्यक्षता तथा बालाघाट जिले के समस्त आदिवासी समाज सामाजिक संगठन पदाधिकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपस्थित महिला पुरुष एवं युवाओं को उपस्थित सहमति बैठक कार्रवाई सगाधीन विचार मनन का निष्कर्ष लिया गया जाकर निर्णय लिया गया कि निम्नुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(5) अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा या 1996 के नियम 22 के तहत कहां है लेटर हेड, कहां है ऑथराइजेशन, लेटर हेड लगाए तीन कागज पे कोई बैठक कार्रवाई कर लेंगे उसका कोई उपस्थिति थोड़ना है। जब आप ये लगा रहे हैं इसमें अध्यक्ष के रूप में साइन कर रहे हैं, लिखा है ना पीछे पेज नंबर 50 पे पढ़िएगा टाइप कॉपी पे, मनशाराम मरावी अध्यक्ष, किस चीज के अध्यक्ष हैं, कहाँ है आपका लेटर हेड, कहाँ है आपके कागज कि आपको किसी ने अध्यक्ष बनाया ऑथराइज किया, कहाँ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द समुदाय इज आल्सो रिक्वायर्ड टू, यस उसी पे आ रहा था। थैंक यू। जब स्पॉन्सर्ड पिटीशंस होती है तब इस तरीके के जो है टेंटर्म्स दिखाए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन है इसका लेकिन मैंने फाइल नहीं किया, नहीं किया फाइल तो फिर आज इसको नहीं सुन पाएंगे, जब फाइल करेंगे तब सुनेंगे, तो आदेश कर देंगे इसी ग्राउंड पे आप रजिस्ट्रेशन के साथ नई पिटीशन फाइल करिएगा, लिखिएगा श्री कल कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, आपको तैयारी करना चाहिए थी, जितनी गर्मी आप दिखा रहे थे ये बात आप विनम्रता से पहले कहते तो आपको सुन लेते। सॉरी पक्षकार को बताइएगा कि हमारी गर्मी दिखाने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दिया। शुभ नाम बताइए फिर से। जीएस उदय, श्री जीएस उदय फॉर द पिटीशनर। There is no authorization in favor of the petitioners by the so-called Sarva Adivasi Samaj, District Balaghat, to file this writ petition. Full stop. Petitioner is not in a position to answer queries of this court. Full stop. While petitioner was reading Annexure P1, this court wanted to know in categorical terms, comma, this petition is not mature to be given a hearing. Full stop. Petition is returned.